दिल्ली से खबर, जहां पर एमसीडी चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। परिसीमन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस की जनहित याचिका स्वीकार कर ली गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। एमसीडी वार्ड के परिसीमन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। कांग्रेस नेता अनिल कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। अनिल कुमार की ओर से वकील सलमान खुर्शीद ने दलील दी कि परिसीमन प्रक्रिया में वैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ है। अगर चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता तो फिर याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 14 दिसंबर तय की। इस दरमियान एमसीडी चुनाव पर रोक नहीं रहेगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। परिसीमन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। याचिका यहां पर दायर की गई है और ऐसे में अब हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। एमसीडी चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिसीमन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। तो दिल्ली कांग्रेस की जनहित याचिका मंजूर कर ली गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस यहां पर जारी किया है और परिसीमन के खिलाफ जो है कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची है। अब जवाब यहां पर केंद्र को देना होगा। तो हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है केंद्र से। एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस अब हाईकोर्ट पहुंची है। याचिका दायर की गई परिसीमन के खिलाफ। तो दिल्ली कांग्रेस की जनहित याचिका को मंजूर कर लिया गया है। अब नोटिस जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। एमसीडी चुनाव को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ ये याचिका लगाई गई है और अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। केंद्र को नोटिस जारी किया है। अब जवाब यहां पर केंद्र को देना होगा। बता दें आपको, जल्द ही एमसीडी चुनाव होने हैं दिल्ली में और ऐसे में इसको लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। परिसीमन को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई है। याचिका दायर की गई है और अब इस याचिका को मंजूर कर लिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। केंद्र को नोटिस भेजा गया है। एमसीडी चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। परिसीमन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस की जनहित याचिका अब मंजूर कर ली गई है। तो देखना यह है कि केंद्र की तरफ से कब यहां पर जवाब आता है और अपने जवाब में केंद्र क्या बातें कहती है।